गेट का लेफ्ट साइड में आप लोगों को टिकट काउंटर मिल जाता है, देख सकते हैं ये है टिकट काउंटर। पहले तो हम यहाँ से टिकट लेंगे, फिर आगे जाएंगे, बिना टिकट का जाने तो नहीं दिया जाएगा यहाँ। देख सकते हैं टिकट काउंटर, और यहाँ देख सकते हैं टिकट का प्राइस 40 रुपीज है और फॉरेनर लोग का 600 रुपये है। दो ठो भैया, एक ठो का कितना? दो पीस। ये देख सकते हैं ऐसा टिकट है, टोकन जैसा है, यहाँ का टिकट अच्छा लग रहा है। तो लेट तो हो गया, 2:30 बजे से बैठे हैं और कोणार्क पहुंचने अभी कितना बाकी है। बुलडॉग देख सकते हैं ये कितना गुस्से में है, बोल रहे हैं मेरा एरिया में क्यों आए। तेरहवीं शताब्दी में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर को राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अधूरा ही छुड़वा दिया था। इसके पीछे उड़ीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। इस कहानी के हिसाब से इस मंदिर को बनाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था और राजा अपने राज की लगभग 12 साल की कमाई इस मंदिर को बनाने में लगा चुके थे। इसलिए गुस्सा राजा ने शिल्पकारों को एक पर्टिकुलर तारीख देकर इस मंदिर का काम खत्म करने के सख्त आदेश दिए। इसके बाद इस मंदिर के प्रधान शिल्पकार बीसु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद ने इस मंदिर का निर्माण केवल एक रात में पूरा करने का एक तरीका बताया और इस बात को सीक्रेट भी रखना था, इसलिए धर्मपद ने मंदिर की गुंबद से सीधा समुद्र में छलांग लगा दी और अपनी जान देकर करीब 1200 शिल्पकारों को मृत्यु दंड से बचाया। जब राजा को यह बात पता चली कि उनके कठोर आदेश की वजह से एक बच्चे को अपनी जान देना पड़ी तो उन्होंने मंदिर का काम तुरंत ही रुकवा दिया। कुछ इस तरह रहस्य है कोणार्क मंदिर का, संक्षेप में आपको सुनाया है, देख सकते हैं।
भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ नज़र आ रहा है। संडे है इसीलिए ज़्यादा भीड़ था, हम लोग संडे दिन आए थे, देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और अगला कोई भी देख सके और इसका इन्फॉर्मेशन ले सके। आप लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करें ताकि कोई नया वीडियो हम डालें तो आप लोगों को भी देखने को मिले सबसे पहले। और अब बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशनल वीडियो।